महादेव सटैप मामले में एक युवा कारोबारी की आत्महत्या पर छत्तीसगढ़ के डिप्टी सीएम अरुण साव ने कांग्रेस पर निशाना साधा। साव ने कहा कि पूर्ववर्ती सरकार के संरक्षण में ये अवैध कारोबार फला फूला, लोग इसके चक्र में पड़कर आर्थिक, शारीरिक और मानसिक रूप से परेशान हुए। डिप्टी सीएम साव ने रायबरेली सीट पर कांग्रेस के परिवारवाद सहित अन्य मुद्दों पर भी अपनी बेबाक राय रखी और कहा कि मोदी की गारंटी के आधार पर भाजपा छत्तीसगढ़ में 11 की 11 सीटें जीतेगी। बार जिस बात को हम लोग कहते हैं कि कांग्रेस पार्टी के एक परिवार की पार्टी है, कांग्रेस पार्टी इतने सीटों पर चुनाव लड़ रही है पर कांग्रेस के नेता कहीं जा रहे हैं तो केवल रायबरेली, और रायबरेली की जनता ने तो तय कर लिया है, रायबरेली की जनता ही साफ पूछ रही है कि वो सांसद निधि का पैसा सोनिया गांधी जी ने कहां लगाया। रायबरेली की जनता पूछ रही है जब वहां बड़ी बड़ी घटनाएं हुई, ये गांधी परिवार और सोनिया गांधी वहां के सांसद कहां थे। छत्तीसगढ़ की जनता ने तय कर लिया है, जिस प्रकार से नरेंद्र मोदी जी ने 10 सालों में काम किया है, मोदी की गारंटियां पूरी हुई है, छत्तीसगढ़ की जनता ने तय कर लिया है 11 की 11 सीटें नरेंद्र मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी की झोली में डालने का।